बैठा कर रख दिया है कि गर्मी ने घुमा कर रख दिया है, चला बैठा था एसी और उसने तो मीटर ही घुमा के रख दिया है। गर्मी की लहर है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ये आपने क्या किया है? महंगा घोड़ा लावो ना, सब तो पहले बंदा यह रंग पाउंदा। फॉर्मल ड्रेस है, अक्सर आप बिजनेस मीटिंग्स पे जाते हैं तो इस तरह पहनते हैं। और कलर को क्या मसला है, इतना प्रोमिनेंट तो हो रहा है। फ्लॉप ब्यूटी पार्लर नहीं होते जेडे, उन्होंने फोटो लगी हुई है। आप उधर वैसे ही करी जा रहे हैं, मैंने तो इधर नजर डाली है। अब बिल्कुल इधर भी आज माशाल्लाह एक गली का काउंसलर लग रहा है। अपनी अपनी नाली बंद करके इट कट के कह रहा है अज मैं बड़ा काम कराया। मैं आज के पहले मेहमान को एक बहुत ही वेटरन एक्टर, कॉमेडियन, थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, जो भी हो हर मीडियम पे एक्टिंग कर चुके हुए हैं, जनाब आबिद कश्मीरी। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल जरनाब शहादत। शो जी, बड़े दिनों के बाद हमारे मेहमान बनकर आए हैं आबिद कश्मीरी। क्या बात, बचपन से ही हंसने हंसाने की है इनकी आदत। वाह वाह। और इनके साथ हैं फैशन मॉडल, मॉडल भी जरनाब शहादत, अल्लाह रखे सलाम। शेर सुनावा बह जाओ, शेर सुनावा बह जा, चाह पियावा बह जा, अच्छा पी के आया है होर मंगावा बह जा, इस गल तो रुसिया से सदके जावा बह जा। आए हाय हाय हाय, फिर सुना ले जी, हुण साडे मगरों लै जा। मिल जाए तो सब कुछ छोड़ दूंगा। अच्छा, अरे वाह। उसे कोई सताएगा तो सर फोड़ दूंगा। एक मर्तबा मेरी शादी हो जाए रुखमा, अच्छा, रन मुरीदी के रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। सब कैसा लगता है जब आपके लगाए हुए पौधे ऐसा साया देते हैं? करना वासी चौधरी, जब मैं आया हूँ, मैं साल में दो दफा आता हूँ जी, तो जब मैं इधर आया हूँ तो मैं अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। वरना मैं लग लाइफ नहीं जानते, एनर्जी है ना। अच्छा, सारी जिंदगी दी यही तो एनर्जी है। मगर आबिद साहब, आप तो माशाल्लाह अमेरिका में मुकीम है, तो वहाँ तो माहौल बड़ा अच्छा होता है, मतलब ही आबर लूद नहीं रहता। स्वाद है मिट्टी। अच्छा जी, उत्थे भी लाउंज लाई बड़ी है। मगर उत्थे जिस तरह देखो शरीफ आदमी जड़ा ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਆਪਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ, ਖਾਲਿਸ ਸੋਨਾ। ਖਾਲਿਸ ਸੋਨਾ, ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ। ਆਪਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ। ਤੋ ਆਪਕੋ ਆਈਡੀਆ ਤੋ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ, ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਕੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ ਨੋ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਫਹਿਮ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਤੋ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮ ਹੈ, ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, तो ये वहां पे महसूस नहीं होता सर? ये जो चीजें आपने कही ये वाकई उधर हैं, मेडिकल, आबो हवा, बिल्कुल, खुराक। वहां मैं वैसे अच्छा फील करता हूँ। ठीक है, तो उसे बीमार भी होते बंदा लगता है सही है। वो जो चीजें आपने बताई हैं वो हैं, हैं। और सर आप कौन सी स्टेट में होते हैं वहां पे? मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ। न्यूयॉर्क में ही होते हैं? मैं न्यूयॉर्क में ही होता हूँ, जो कभी नहीं सोता। कैसर पिया न्यूयॉर्क, तू नक्शे जी वेखे है, मैं फिर उठे। आप न्यूयॉर्क में होते हैं, बिल्कुल बीच में, सेंटर में होता हूँ अपना, अकरम उदास साहब जी सर, उत्थे जिन्ने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ने जी जी जड़ा मैं जानता है,
वो पैसे नहीं लेता खाने दे, पैसे नहीं लेता, क्या बात है, इसीलिए रहने दे, रोटी खान जाओ। टेलीविजन है सारा बूटा लाया वेखते ने कि यार भाई उत्थे टेलीविजन जी किन्ने साल मैं काम किया पता तेन 50 साल बूटे लाए ने यार अगर यह बंदा नहीं है फिर मैं भी नहीं है तो नहीं नहीं भाजी यह गल ना करना है बंदा तो ये नया आया था बिल्कुल ही नया। अच्छा हम रिहर्सल कर रहे थे तो एक हमारे जो बड़े जबरदस्त सखी सरवर साहब ने कहा यार है मुंडा नवा आया है जैन जरा देखो तो इसे रिहर्सल कराई थे ये हाथ ना ला दे जिमें वो दो मूहियाँ सप्प नहीं हों उड़ उड़ के पवे तो सारे कह गए एनू कडो ड्रामे चो एनू ना रखना मार देगा सारे मैं तो साजिश सुन ली मैं जी ये अगर नहीं होएगा ना तो फिर मैं भी नहीं होगा नहीं नहीं कहना यह होएगा तो यह होया तो फिर अज ये कितने बैठा है कैसर भी है अकरम उदास साहब ने मैं लाहौर आम का कहा अच्छा। को आए किने काम दिता की होया ठीक है लेकिन एक सब्जी मंडी च ड्रामा कर अच्छा। इधर उधर कर दरी बिछा के ड्रामा नहीं होंगे मैं उ चीफ गेस्ट बन के गया समझ लिया तो वो आप थे जिन्होंने इनको लाहौर आने का कहा था मैं कह जी लाहौर आप मुझे जरा लहदा मिलिएगा बाहर आप तो कह के निकल गए जो हमारे साथ हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है नहीं हो रही नहीं ना पैदा कर रहे हैं नहीं नहीं माशाल्लाह आपको ऐसे समझ आ रही है गुफ्तगू की मुझे सब समझ आ रही मुझे पंजाबी भी समझ आ डबल मेजर आपने किया है मार्केटिंग और फाइनेंस में जी जी तो ये मॉडलिंग तो कहीं से कनेक्टेड नहीं है इससे बस मुझे फैशन मार्केटिंग का भी शौक था तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मॉडलिंग की तो मैंने कर ली मेरा एज सच कोई प्लान नहीं था आपको कोई वो वाला नहीं था कि बचपन से शौक नहीं मुझे एक्टिंग का इनफैक्ट शौक है अच्छा तो मुझे इंशाल्लाह अगर जी और वो आपको कैसे हुआ आपको कहाँ रियलाइज हुआ वो बस मुझे बस फील हुआ कि मुझे आई कैन डू इट लाइक मुझे एक्टिंग का शौक भी है और मुझे अपॉर्चुनिटी अगर इंशाल्लाह मिले तो आई वुड लव टू वर्क ऑन इट और बहुत सीनियर और अच्छे एक्टर्स हैं प्रॉब्ली मेरी हेल्प करने के लिए भी वो तो बहुत ज्यादा है मगर आपके कोई हैं फेवरेट एक्टर्स जो आपकी विश लिस्ट में हो मुझे फवाद खान बहुत पसंद है फवाद खान बनता भी है पसंद होना ज़ेन कितना मिलता है मुझे फवाद चौधरी पसंद है फवाद खान आपको पसंद है और उनके अलावा कोई और इसके अलावा मैं वैसे आजकल मैंने इमरान अशरफ का जो एक नया था ड्रामा वो देखा था ज़ेन देखे इमरान अशरफ मुझे इमरान खान बिल्कुल तो फवाद खान और इमरान अशरफ पसंद हैं तो अगर क्या आपको ड्रामा करना चाहेंगी उनके साथ या फिल्म करना चाहेंगी मैं ड्रामा से एक्चुअली शुरू करना चाहूंगी ड्रामा करना चाहेंगी और अगर पहले ड्रामे में ही दोनों मिल जाएं फवाद खान और इमरान अशरफ और कोई ट्रायंगल किस्म की स्टोरी हो नहीं मैं एक के साथ पहले काम करना चाहूंगी अच्छा दोनों नहीं एक ही गो में नहीं कि मुझे एक के साथ पहले एक्सपीरियंस हो तो एक ही बार में दोनों निकाल देना सिस्टम में से बाहर करें सारा कुछ यार दो फिल्में क्यों ना करें एक कोई नाली दो में कर दो तीन वो ट्रायंगल फिल्म किन है इमरान अशरफ जी जी इमरान अशरफ माय फेवरेट अच्छा क्या बात वेरी गुड एक्टर मैं लाइक करना मैं कभी फिल्म बनाई और मैं बनाया नहीं क्या खूबसूरत रोल कर रहा उस पहले चौधरी एंड सन्स सुहेल साहब दा पोता बेहतरीन उठे सारे ड्रामे आते हैं मुझे बात बताएं आबिद साहब मिस करते हैं बहुत मिस पाकिस्तान लाहौर यस यस लाहौर बहुत मिस करता हूं टेलीविजन अपने आर्टिस्ट अपने लोग ये सारे टेलीविजन ते यादगार दी फोटो होंदी ते चुमन लग पेंदे स्क्रीन ताके रास्ता पे
में सजाया तो नहीं जा सकता, काला धन ऐसे बचाया तो नहीं जा सकता। जब से महंगा है मटन चिकन का सहारा था, वो भी महंगा है तो खाया तो नहीं जा सकता। जिस तरह आप चलाने की है कोशिश में हुजूर, इस तरह मुल्क चलाया तो नहीं जा सकता। सही कह रहे हैं आ। Welcome back to Muzakra. जी रुखमा। जनाब आप कॉमेडी में इंटरेस्टेड हैं? मुझे लगता है कि मुझे कॉमेडी से ज्यादा नेगेटिव रोल अगर दिया जाए तो मैं ज्यादा अच्छा उसमें एक्ट कर सकती हूं। नेगेटिव है ये आपको क्यों लगता है? बस पता नहीं, मुझे लगता है कि कॉमेडी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बड़ी नेचुरली आती है। डिफिकल्ट नहीं, वेरी मुश्किल थिंग। कॉमेडी इज द वेरी मुश्किल थिंग। और डिफिकल्ट का मतलब यही मेरे को डिफिकल्ट तेरे लिए होगा ना, मेरे लिए मुश्किल ही। गाइस यू सो श्योर कि आपको नेगेटिव करेगा सूट? बस पता नहीं, मुझे लगता है मुझे शौक भी है। कोई आपको दोस्तों यारों ने आपके कहा है कि तुम बहुत नेगेटिव लड़की हो? कहा नहीं है सच के नेगेटिव हो, लेकिन मुझे बस लगता है कि शायद मेनस्ट्रीम जो हीरो हीरोइन टाइप रोल से ज्यादा मुझे एक नेगेटिव रोल सूट करेगा, मैं बेहतर कर सकती हूं। प्यार दिया देखो मैं तो जाकर तो चंडा चली आ रही हूं। नामवर राइटर हैं, आपको पता है कि कॉमेडी जो है वो मुश्किल तरीन शोभा है बिल्कुल अदाकारी में, और जो नेगेटिव है या रुलाना है सबसे आसान शोभा है। बिल्कुल कोई बंदा भी हो सकता है नेगेटिव और विलन और लेकिन मगर आबिद साहब अपने बारे में ये इतना शोर होना कि मैं नेगेटिव ही कर सकता हूँ, इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए। वजह तो फिर इनको ही पता हो। आपके बहन भाई हैं? जी हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटी हैं, तो क्या आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया है जिस पे उन्होंने आपको ताना दिया? नहीं, मुझे बस लोग कहते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और उस तरह से, मुझे लगता है कि शायद नेगेटिव रोल मुझे बस लगता है मैं शायद बेहतर कर सकती। तो आपके घर वाले आपसे डरते होंगे? बहन भाई जो बहन भाई सब बड़े हैं तो डरते तो नहीं है, लेकिन डराने की मेरी पूरी कोशिश। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बोल रही है, आप फैसला आपका ही चलता होगा घर में। हाँ मेरी तो, से काफी है घर में। तो जिंदगी का जो एक फैसला अहम फैसला था वो भी खुद करेंगे या घर वाले करेंगे? मैं इंशाल्लाह जब टाइम आएगा मैं खुद ही करूंगी। खुद ही करेंगी जी। तो टाइम आ चुका, आपको समझ नहीं आ रही? जिंदगी में सोचा तो होगा कि ऐसा शख्स जो भी हो ऑनेस्ट हो, मेरे साथ भी ऑनेस्ट हो, अपने काम के साथ भी ऑनेस्ट हो, ये सबसे जरूरी बात। काम क्या मतलब शोबिज में हो या शोबिज में भी हो तो वो भी ठीक है, एज सच कुछ मैंने सोचा नहीं है कि इस प्रोफेशन का ढूंढूंगी। वैसे आपका कभी न्यूयॉर्क चक्कर लगा है? मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ ही जा रही हैं आप? सब आप कब वापस जा रहे हैं? मैं भी नेक्स्ट मंथ ही जा रहा हूं। अगले महीने आप भी जा रहे हो और आप भी जा रही है? मेरी बहन रहती है न्यू जर्सी में। अच्छा, मेरी भी बहन रहती आपकी भी? आप सच्चल गल है, उनकी बहन भी रहती है वहाँ पे, और आपकी बहन जो है न्यू जर्सी में होती है। ब्रुकलिन आप हो गए, आप न्यू जर्सी जाएंगी। And this is going to be your first time in New York. This is going to be my first. तो बड़ा अक्सर पहली बार जब इंसान New York जाता है तो बड़ा तजस्सुस होता है, because आपने इतना सुना होता है उस शहर के बारे में। You know the Big Apple, the Big City, the City Never Sleeps. तो आप कोई टूरिस्टी जगह उनको बता दें जहाँ पे वो उनको विजिट करना चाहिए? नहीं, मैं खुद देना दी खिदमत करा। नहीं बहुत तो चले, थैंक यू सो मच। मैं मेजबान बनूंगा वहाँ। कौन सी जगह उनको देखनी चाहिए? वो कोई अपनी साथ लिस्ट तो बनाए ना। वो पूरा न्यूयॉर्क ही देखने वाला है। नहीं कोई खास कोई है नहीं, कोई खाने पीने की सिटी देख लें तो हो जाएंगे। मैनहट्टन में चली जाए, मैनहट्टन चली जाए, सिटी पे लड़की गुम हो जाए मैनहट्टन के अंदर, हो जाए गुम, है ना कमाल। वो तो एक लॉस्ट इन न्यूयॉर्क, गुम भी हो जाए तो लग जाएगी वही ना। बिल्कुल, वो तो अमेरिका वहां पे तो ढूंढ मिल जाए। बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल नुक्कड़ दे इधर ले पुल दे परसे होती है। हां बिल्कुल, पुल दे परले पासे है ना। बिल्कुल, आधा पैर आपका पहला दोनों पुल देखिया तू? हाँ जी, इन्होंने देखा है। तू की देखिया उन्हें की पुल दसो? बिल्कुल जी, गए अमेरिका? नहीं नहीं बिल्कुल, साली नून लीग दी घूमत है हुण जिन्ने असी पुल देखने $22 नून लीग दे। मैं कि पिंडो है, मैं भी इथों दे ही हूं। नून लीग गल के पिंडो तू दस के दे, इथे मार खा ली हूं। गुड, हाउ आर यू? अल्लाह ने मेनू बचा लिया। किससे? यू नो मेरे नाल मिस हैप्पी ऐसा होया
चार दिन मैं गया रेलवे स्टेशन से कुलिया नाल काम कीता। अच्छा। रोज दा मैं 300-350 रोज मैं कमांदा सा। ठीक है। बट एक बंदे नाल मैं मशूरा कीता। ओके। उन्हें क्या हैवी समान उठाओगे जो बहुता माल कमाओगे। ओके। मैं फिर 50% एक बंदे नू दे के हाँ अगले दिन मैं बड़ा खुश होके जा रहा मैं समान चुकांगा। अगे गया तो किसी ने रेहड़ी चुकी रेहड़ी आई नहीं मैं उठे इना रौला पाया मैंने कहा मैंने समान चुकना था किसी ने रेहड़ी चुक ली है वो कहने पा जाओ यहाँ से ये तुम्हें भी चुक लेंगे तो बैज लेना पैंदा मैनू पता नहीं सी सो कुड यू प्लीज गिव मी जस्ट 15,000। अच्छा मसला ये है कि आज तुम्हें नहीं मिलने वो न्यूयॉर्क में रहते हैं ब्रुकलिन में और वो अभी अगले महीने जा रही है न्यूयॉर्क भाईजान के बाजी दोनों जा रहे हैं वो आबिद साहब अब रहते हैं न्यूयॉर्क के अंदर और वो जो है जनाब वो जा रही हैं अगले मामा जी ने मैं कॉल की थी मामा मैंने दस रसन कुछ पाकिस्तानी यहाँ आए हैं लोगों की बैलें बजा के भाग जाते हैं ये वो वाला नहीं है मैं बाजी ने गाना डेडिकेट कर दिया फिर तुहानू करना नहीं तुम उन्होंने नहीं करो पैसे उतो ही आने जी बाजी डोंट वरी about the things but every little thing gonna be all right rise up this morning my lips rising some three little birds by my dude sight sing sweet song biology is pure and good baby it is a message for you good baby don't worry but you know the niku fark pe पैसे रख लो अपने चुरजी कटवा लैन वेलकम बैक आबिद साहब एक इतना हंसी मजाक करने वाला इंसान सारी जिंदगी करते रहे हैं आप तो एक नेचुरल अर्ज आ जाती है इंसान के अंदर कि वो करना चाहता है मजाक कभी या कोई जुमला बोलना चाहता है जब वहां पे होते हैं तो किसके साथ करते हैं घर वालों के साथ ही या बाहर कोई अंग्रेजों को भी करते हैं अंग्रेजों ने भी कर लेता है अच्छा अंग्रेजों को करते हैं बड़ी सोनी मेम जा रही सी अच्छा मैं कहा मेम इनू की पता लगना मैं की कह रहे हैं मैं क्या के सोने हो किधर वो यही करके पलटी उन्हें कहा दसा दिन में कि भाई कुछ ना पूछ के मैंने तो नसना भी नहीं आया बोल दे बाद मैं अपने आप नू बचाया और उन्होंने कहा सिस्टर सॉरी दिस इज जोक आई एम कॉमेडियन ऑफ पाकिस्तान उन्हें क्लैप की थी उन्हें कहा यस कॉमेडियन कॉमेडी तो ताड़ी बाजी दी है कोई कॉमेडी कच्ची लेकिन बड़ी गल है जी तानू दसना पिया ते उन्हें ताड़ी मारी बड़ी गल है ऐसा नहीं करना जी हुण वापसी में आपके हैंड कैरी में थोड़ी जगह नहीं बची हुई बची है इन्हें बाला प्लीज इसको साथ ले जाए इसको वैसे ही बड़ा शौक है जड़ी गल है सना ली होते तो बंदा हसे जड़ी नहीं होते भी सबसे छोटी है आपके साथ भी घर में ऐसा कुछ होता है जो इनके साथ हो रही है नहीं ऐसे नहीं होता ऐसा नहीं होता नहीं। अच्छा वैसे आप भी घर में सबसे छोटे हैं ना जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अच्छा तो ये सिर्फ आप में ही मसला है कि आपके साथ ही होता है छोटों के साथ भी घर में मेरे साथ भी घर में ऐसा नहीं होता जो आबिद साहब वहाँ पे भी खाने पीने का शौक बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा यस देसी वहाँ पे या कोई देसी भी क्या बात है अंग्रेजी भी खाना शुरू कर दिया क्या पसंद है आपको खाने में अंग्रेजी में अंग्रेजी जो अजीब जी बनाने चीजा से तुम की दसी हो अच्छा नहीं मतलब फिर नहीं नहीं इसको छोड़ो आप मुझे बताएं क्या असर खाने पसंद स्टेक खाते हैं
पास्ता खाते हैं क्या? सारा कुछ जो जो तू ना ले रहे हैं। अच्छा, नूडल्स फलाना ढमकाना। जनाब आपको है खाने पीने का शौक या नहीं? मुझे है खाने पीने। आपने किनको कॉन्टेक्ट करना है वो आपको बता सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि वहाँ पे स्टेक्स और पास्ता और बर्गर्स बड़े मशहूर हैं सर। चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई न्यूयॉर्क बेच रहा हूँ। आपने तो गुजरा वाले का सामान पैदा कर दिया अवेलेबल है, मगर आप उनको कोई अंग्रेजी डिशे बताए, वो वहां जाके भी अंग्रेजी डिशा उन्होंने की उनको रिच रोस्ट करके खुवा दी। आपने हलाल गाइस वहाँ पे ट्राई किया होगा? हलाल गाइस बताओ भाई क्या है? रेस्टोरेंट है बड़ा मजे का वहाँ पे, जायरो। वो कितने है? मैनहट्टन में है। ये तो ना ही सुने हैं, मैनहट्टन में है, उतने नहीं गा। बिल्कुल डिफरेंट हो जाइए। मैं क्या सर मेरे महल बंदा है सिखाता है सर, तीन तीन चार चार लाख रुपए का तोता है। हाँ मेरे महल च बंदा है यार, तोते बंदे तरह बोलते ने। अच्छा, मैं क्या सर उन्होंने को एक तोता लेने हैं, वो साड़ी कंपेन चलाएगा पूरी। मैं क्या सर मैं एक दो बारी लंघिया, मैं भी लंघने लंघने क्या देखो देखो कौन आया। मैं समझा कहेंगे निर्गोली आया। हाँ। वो कहते ने शेर आया, शेर आया। खुश होने मियां साहब। अच्छा। पंजाब के बंदे ने गल की थी। हाँ। उन्हें कहा जी 30,000 रुपए तो मैं सिर्फ इस गल का लवाना कि जेड़ा तू जाके वखाना है। ओके। यार बड़े महंगे तोते है ने। खैर मैं 30,000 रुपया दे के तो तोता लै गया। ठीक है, मियां साहब दी मैं टेबल ते रखया। एनियां गल्लां उन्हें मियां साहब नाल कीती ने, मियां साहब खुश हो गए। अच्छा, मैनूं कहंदे ने 5 लाख दा वी मिले ते खैर है। ठीक है, मैं लै के निकलन लगा तो अगू आ गए राणा सनावला साहब। ठीक है, कहंदे ने ये क्या है? हां, ओ मैं कहया सर तोता हैगा, गल्लां करदा बड़ियां। अच्छा, मैं कहया इहनूं कहो देखो देखो कौन आया। उन्होंने कहा अगू तोता बोलिया ही नहीं। ओ एक नारा, दो नारा, तीन नारा बोले ही ना। मैं तोते नूं साइड ते लै के गया, मैं क्या बोलता नहीं। हाँ। कहंदा असीं वड्डियां अगे नहीं बोलदे। यार इहदा मतलब है कि वाकई उह गल ठीक है कि वड्डियां अगे नहीं बोलना चाहीदा। मैनूं ते अज एहसास होया, लिहाजा अज तों बाद मैं तुहाडे अगे नहीं बोलना, तुसीं मेरे तों 22 साल वड्डे हो। ठीक है, जरनाब। मैं जरा तुहानू चेक करना सी वी तुहानू याद है कि नहीं। अच्छा, माशाल्लाह ते आबद कश्मीरी साहब नू रोटी तो बगैर ना जान लेना। हां हां, उन्होंने नहीं जखवानी। अरे ये क्यों खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। हमेशा सानू रोटियां खवाइयां ने। अच्छा, जदों वी अलमरा दे विच गए हां, क्या उस्ताद जी रोटी, इन्होंने जेब विच कढ़ के देती है। ले पुत्र, माशाल्लाह फिर लोग पुछणगे भी इहने तुहाडे वाकिफ हैगे ने। मैडम कहने एवरीवन सेल्फी प्लीज, थैंक यू। ते मैडम कदों बोलने ने, मंगल बुध नूं? आप कुछ पूछे मैं बताती हूँ आपको। नहीं नहीं जी, माशाल्लाह ऐसे टॉप मॉडल जो कि ना सानू खुशी है भाई, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ते भाई जी उन्होंने स्टेज दी दुनिया दे विच दुनिया नूं दस्सिया कि पाकिस्तानी फनकार किस नहज दे फनकार हुंदे ने। सर जी तुसीं पूरे प्रोटोकॉल दे नाल मेरे नाल जाणा, मैं तुहानूं छड्ड के आवांगा। कित्थे? तुहाडे घर। घर? हाँ जी, पूरे प्रोटोकॉल दे नाल साडा फर्ज बनदा है भाई, तुहानूं प्रोटोकॉल, असीं सियासी लोकां नूं प्रोटोकॉल दे ही जा रहे जी, बिल्कुल, जिहड़ा साडे मुल्क दा नाम रोशन कर रहे ने। कित्थे? यूएसए च हो रही है। यूएस अगू, यूएस मेरा पुत्र अगू कहिंदा यूएसए।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी रुखमा, खबर क्या है? अक्सर औकात कहीं जाने के लिए जब राइड बुक कराई जाती है तो कई ड्राइवर्स काफी ताखीर से आते हैं, जो कि बड़ा अनोइंग हो जाता है। मगर मेरी आज की खबर एक ऐसे ड्राइवर के बारे में है जिसने लेट आने की एक बड़ी दिलचस्प वजह बताई। हुआ यूं कि एक खातून ने जब राइड बुक कराई तो उसने ड्राइवर से पूछा कि आप कब तक आएंगे और अभी आप कहां पर हैं, जिसके जवाब में ड्राइवर ने बताया कि वो आएगा और 100% आएगा, मगर अभी वो पराठा खा रहा है। उसने साथ में ये भी बताया कि वो हाफ पराठा खा चुका है और हाफ अभी बचा हुआ है, तो उसको वो ख़त्म करके ही आएगा। बिलाखिर ड्राइवर अपने वादे पर कायम रहते हुए पराठा खाने के बाद खातून को रिसीव करने के लिए हाजिर हो गया। क्या बात है, उन्हें नौकरी देना ही नखरे के सौरे आ जाना चाहिए। आराम में किसे गल दी समझ आई होए की किया और कुछ नहीं समझ में। माशाल्लाह पूरे बाल आपके सर के ऊपर हैं और मुझे याद है जवानी के अंदर भी आपका हेयर स्टाइल बड़ा मशहूर हुआ करता था। अब तो तब बहुत ज्यादा था है ना। तो सर रोमांटिक तबीयत थी? रोमांटिक तबीयत थी, जो रोमांटिक तबीयत ना हो तो बंदा आर्टिस्ट नहीं हो सकता। अच्छा जी। यस, शायर, आर्टिस्ट, ओए होए होए, राइटर यू आर आल्सो। बताएं कि रोमांटिक पना जो था ये बचपन से ही चल रहा है, जवानी के जमाने से, या जवानी के जमाने से ही चल रहा है? अच्छा, और ये कितना काम आया? लेकिन कितना काम आना है, हफ्ता डेढ़ कहते सर मुंडाते ही औले पड़े। अच्छा जी, जवानी चढ़िया तो ब्याह हो गया। ओए ओए ओए। और ब्याह आपका जो था वो घर वालों की तरफ से था? जी, घर वालों की मर्जी से हुआ। ठीक है। 74 इच मेरा ब्याह हो गया। माशाल्लाह। बसंत वाला दिन था, मैं उत्ते पेचे ला रहा सन। अच्छा। ते मामे ने कहा कि उतरा थले भी बरात रेडी है। उतरे जी थले, वड्डे भरा दे कपड़े पाए, हर चीज ओ बूट शूट ठीक है, गड्डी च बाता, वाह वाह, लाड़े बन के चले गए। जिसले सहरे दे घर दे अगे गड्डी पहुंची है, हां जी, ते सरबाला सी मेरा भतीजा। अच्छा। डग उन्हें कहा चाचू गुड्डी, ओई गुड्डी बो के आ रही। हां, निकले सेरा उथे कोट उथे ते गुड्डी लुटन चले गए। गुड्डी लुटने चला गया? गुड्डी लुट के आ रहे हैं। अच्छा। तो ठाक चपेट पई है। अपनी बरात के दिन साड़ी धी का ब्याह हो रहा, तू गुड्डियां लुटने है थे? मैं कहा जी मैं लाड़ा वहां, मेरे ना हो रहा ब्याह। वो मेरा सहुरा सी, सॉरी 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 यार। अच्छा। ये वाकया मेरी, ये आपकी शादी के दिन आपका सही वाकया जी? सर वाह वाह वाह, एडे मतलब छोटे सा इंटरेस्टिंग वाकया जो आपने सुनाया है कि आपको अपनी बरात के दिन ही आप गुड्डी लुटी है, गुड्डी लुटने चले गए थे। तो बसंत बड़ी जोर दी मनाई जाती है। बिल्कुल जी, आवाम का सवाल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुजाहिद खान है और मेरा सवाल सर से है। सर, जैसा कि अनवर मसूद साहब ने कहा था कि मिजाह में अगर एक नुक्ता दर्ज किया जाए तो वो मिजाज बन जाता है, तो आपके मुताबिक मिजाह क्या है, इसकी जरा वजाहत कीजिए। जिन्हें किया तो कोई पूछ जाके बेटा मैंने। हमारा एक छोटा सेगमेंट है, मैं सवाल पूछता हूँ, साथ आपको ऑप्शन दूंगा। पहले उधर ही चले जाओ, लेडीज फर्स्ट का। जी सर, आप ये बताइए, आपका कार्ड किसी वजह से ब्लॉक हुआ, बैंक कार्ड या बैंक अकाउंट फ्रोजन है, इस वक्त आपको रात को डिनर पे जाना है और इनमें से किसी एक को साथ लेके जाना है, बिकॉज इवेंचुअली दे विल हैव टू पे। किसको लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अलीम खान और जनाब जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब होंगे वो। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, आपके पास एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए किसको करना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं फवाद खान और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, उनके पास ज्यादा मजे की बातें होंगी शायद। अच्छा, आपको लगता है फवाद खान के पास नहीं होंगी? नहीं। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहद रजा मीर और कैसर पिया। इनको दे दूंगी कैसर पिया। ओए ओए ओए, कैसर पिया साहब क्या बात है जी। अब सब आपकी बारी है। सर ये बताएं, आप न्यूयॉर्क से जहाज पे चढ़े हैं, आपके साथ वाली सीट बिजनेस क्लास में खाली पड़ी हुई थी, और आप देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आपके साथ बैठ जाएं। अब आगे 12-14 घंटे का सफर है, तो किसको साथ बिठाना चाहेंगे अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सबा कमर, महविश हयात और माहिरा खान। सबा कमर। सबा कमर को, क्या बात है। सर टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और शीरी मजारी साहिबा। फरदौस आशिक अवान ले जाएंगे। फरदौस आशिक अवान, ठीक है। लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, आप देखते हैं लिफ्ट में तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचवाएंगे, ठीक है, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि भाईजान आपका फ्लोर आ गया है,
ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सुहेल अहमद साहब, इरफान खूसर साहब और उस्मान पीरजादा साहब। आप तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? इरफान साहब मेरे उस्ताद हैं। एक तस्वीर उनके साथ खिंचवा लें। मैंने नहीं पता, उन तब सोच लेके वो मेरा उस्ताद है। तस्वीर उनके साथ हो गई। आप बताएं मुस्कुरा किसको देख रहे हैं आप? सुहेल अहमद मेरा यार है। ठीक है, मुस्कुरा के उन्होंने वेख लेने। ठीक है, और उस्मान पीरजादा साहब बच गए, बाकी उन्होंने कहा तुम भी नाल ही आ जाओ बस। डूबती कश्ती में सवार हैं फिर जी, इस बार डूबती कश्ती है, दो लाइफ जैकेट्स हैं, अपनी वाली आप नहीं उतार सकते, दूसरी आपने किसी और को देनी है। दे दें। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जयाब और कैसर पिया। देखो जी गल है मिलते ही रही बचा ही लेता, वो तो कदी कदी आए हैं, इन्होंने बचावेंगे, इनको बचाएंगे। ठीक है, आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर शोभा तशरीफ लाने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।